स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमएससी कर चुके हैं या फिर एमएससी करने वाले हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम एमएससी केमिस्ट्री से मतलब केमिस्ट्री से एमएससी तो कर लेते हैं, लेकिन एमएससी करने के बाद हमको एक्चुअली ये पता ही नहीं होता कि एमएससी के बाद फाइनली करना क्या है। ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से कई बार हमारे हाथ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर 16 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा, कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी आपको मैं दूंगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके, आप एमएससी के तुरंत बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो ये वीडियो एक तरह से बहुत ही ज्यादा काम का है, इसका एक भी पार्ट मिस मत करना, इसको कंप्लीट जरूर देखना और साथ के साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसको शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इसकी नॉलेज मिल सके। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें जैसे CSIR नेट JRF। देखो CSIR नेट JRF गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन आगे गवर्नमेंट जॉब में एक एलिजिबिलिटी होती है। जैसे अपन लेक्चरशिप की बात करें तो वहां पर एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपको नेट JRF क्वालिफाई है तो आप एलिजिबिलिटी वहां पर लेक्चरशिप के लिए बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल उसके बाद में आगे करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर CSIR JRF आप क्वालिफाई कर लेते हो, CSIR JRF आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप PhD के लिए अलग अलग जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेज है, IIT, IISc है, IISER है और जो डिफरेंट CSIR लेबोरेटरीज है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप PhD करते हो JRF के थ्रू तो आपको लगभग 31,000 से 35,000 स्कॉलरशिप मिलते प्लस 20% आपको HRA मिलता है। तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि 5 साल के जो रिसर्च पीरियड होता है उसी के दौरान आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके वहां पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ताकि PhD के दौरान ही आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सके। तो CSIR JRF गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन आगे लेक्चरशिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं हम तो वहां पर आपकी ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड यहाँ पर देख सकते हैं हम गेट। देखो पहले गेट के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो एक्चुअली MSc थी, लेकिन अब BSc थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी गेट का एग्जाम देख सकते हैं, गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि जो डिफरेंट PSUs एग्जाम्स होते हैं जैसे ONGC हो गया है ना, एटसेट्रा, ONGC वगैरह जितने भी PSU के एग्जाम्स है उनमें गेट कंपलसरी कर दिया। अगर उनमें आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गेट क्वालिफाई होना वहां पर जरूरी है, जिन एग्जाम की मैं आगे बात करूंगा ताकि आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप गेट के थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूट से PhD भी कर सकते हो, वहां पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, साथ के साथ यहाँ पे MTech भी कर सकते हो IIT वगैरह से, और जो डिफरेंट PSU सेक्टर्स होते हैं जैसे ONGC वगैरह उनमें बेसिक एलिजिबिलिटी भी है कि जब तक गेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपको वो लेंगे ही नहीं, तो वहां पर गेट कंपलसरी होता है। ऐसे कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं। देखो नेक्स्ट जो यहाँ पर बात करूंगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर की करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब लेक्चरशिप। देखो लेक्चरशिप के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें आपके पास या तो नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, PhD होना चाहिए। देखो सेट कई स्टेट्स के अंदर बंद कर दिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कई स्टेट्स में भी बंद हो गई है, लेकिन आपके पास अगर नेट क्वालिफाई है या फिर PhD है तो उसके बेसिस पर आप लेक्चरशिप के लिए अलग अलग स्टेट्स में एलिजिबल है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी की बात करें तो जो पे स्केल है इनका एक तरह से देखा जाए तो 55,000 से ऊपर ही इसमें सैलरी रहती है, इससे कम होने के यहाँ पर चांस नहीं होते। और नेक्स्ट जो सबको पता है इसके बारे में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है ना, PGT फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, वहाँ पर MSc के साथ वहाँ पर BAD मस्ट कंडीशन होते हैं, BAD होना जरूरी है और इसमें लगभग 40+ सैलरी रहती है, 40+ 45+ इस तरह से सैलरी रहती है। यहाँ पर आप देखो अपने स्टेट का जो PGT एग्जाम है जैसे RPC PGT हो गया, UP PGT हो गया, MP PGT हो गया, उनमें तो अप्लाई कर ही सकते हो। उसके साथ साथ जो NVS है, KVS है, DSSS है एटसेट्रा, इन एग्जाम में भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम BARC है, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो इनमें जो पोस्ट निकलती है बेसिकली केमिस्ट्री से वो साइंटिफिक असिस्टेंट एक ही निकलती है। किसकी निकलती है?
साइंटिफिक असिस्टेंट ए की, जिसका पे स्केल मान के चला 55 प्लस ही होता है। इसमें बेसिकली एमएससी केमिस्ट्री मांगते हैं, एमएससी केमिस्ट्री मिनिमम 60% आपके एमएससी में होना चाहिए। अगर 60% से कम मार्क्स आपके है तो उस कंडीशन में आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और भी अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे अपन बात करें यहाँ पर देखो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, काफी अच्छी इसकी जॉब होती है। यहाँ पर जो पोस्ट निकलती है वो जूनियर केमिस्ट या जूनियर केमिस्ट और साइंटिस्ट सी की पोस्ट निकलती है। सैलरी की बात करें तो लगभग 60,000 प्लस होती है और एमएससी में आपके मिनिमम 60% होना चाहिए और साथ के साथ ही जो लेटेस्ट गेट एग्जाम हो वो क्वालिफाई आपका होना चाहिए। तो गेट के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन रहता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि पहले गेट के बेसिस पर ये शॉर्ट लिस्टेड करते थे, जो गेट स्कोर के बेसिस पर जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू के बाद वही मेडिकल वगैरह होता है और फाइनल पोस्टिंग यहाँ पर हो जाती है। फिर बात करें अपन, देखो यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। देखो अगर NTPC की बात करें तो NTPC में भी MSc के बाद लैब असिस्टेंट के यहाँ पर, लैब केमिस्ट के यहाँ पर जॉब निकलती है, जिसकी 42,000 प्लस सैलरी रहती है। कम से कम इतनी तो रहती है, इससे ज्यादा ही रहती है। MSc केमिस्ट्री इसमें मांग सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये सारी जॉब ऐसा नहीं कि हर साल निकलती, कोई सी जॉब किस साल निकल जाए इसका कोई पता नहीं। उसके लिए आपको क्या है कि कंटिन्यू जो जॉब पोर्टल साइट्स वगैरह है उसको देखते रहना होगा। हम भी जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिस भी वैकेंसी की, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमसे भी कनेक्ट रह सकते हैं, हमारा जो चैनल है यूट्यूब वगैरह जो सोशल मीडिया है वहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आप तक पहुँच सके। देखो और भी यहाँ पर बात कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, देखो BEL BHEL BEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो पोस्ट निकलती है केमिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, जिसकी सैलरी 60 प्लस होती है, 60,000 से ज्यादा ही सैलरी होती है, इनमें कम नहीं होती। और एमएससी में 60% मार्क्स होना चाहिए और गेट स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन रहता है। इनमें सिंपल सा प्रोसेस है, पहले आपका गेट स्कोर चेक करते हैं, गेट स्कोर के बेसिस पर स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद वही मेडिकल वगैरह होता है, फाइनल पोस्टिंग ये दे देते हैं। फिर बात करें अपन FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, इसकी बात करें यहाँ पर भी एक्चुअली फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, 30,000 प्लस इसकी सैलरी मान सकते हैं अपन, इतनी होती है। एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एमएससी केमिस्ट्री की यही पोस्ट नहीं होती, बहुत सारी और भी कई तरह की हो सकती है, लेकिन इतनी सारी जॉब्स आप देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली जब इनके बारे में आप और भी सर्च करोगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल कर आएंगे जहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये जनरली जो बात कर रहा हूँ मैं नेशनल लेवल्स की जो जॉब निकलती है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो आप स्टेट में भी कई प्रकार की पोस्ट निकलती, जॉब्स निकलती है, जिनके बारे में भी आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो ताकि आपकी पोस्टिंग इजीली हो सके, आपको इजीली जॉब मिल सके। और साथ के साथ देखो जैसे नेक्स्ट यहाँ पर ले सकते हैं हम CGPDTM कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, इसकी बात कर सकते हैं। देखो एमएससी वाले यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पोस्ट निकलती है बेसिकली वो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, इसको होती है ग्रुप ए की पोस्ट होती है, जो गजिस्टर्ड ऑफिसर होता है उसकी पोस्ट होती है बेसिकली। यहाँ पर अपन देख सकते हैं 70,000 प्लस इसकी सैलरी होती है, 70,000 प्लस इसकी सैलरी होती है यहाँ पर देखें तो काफी अच्छी पोस्ट है। और देखा जाए तो ये जो ऐसी पोस्ट है इनमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता, यहाँ पर एक्चुअली नंबर ऑफ पोस्ट तो इनमें कम ही निकलती है, इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं निकलती। ऐसे निकलती हुई 500 पोस्ट निकल गए, 700 पोस्ट निकल गए, ऐसे नहीं निकलती, लिमिटेड पोस्ट यहाँ पर निकलती है, लिमिटेड पोस्ट निकलती है। लेकिन एक्चुअली इन एग्जाम में स्टूडेंट भी बहुत कम फॉर्म भरते हैं, बहुत सौ को तो मैक्सिमम को तो पता ही नहीं होता कि ये पोस्ट होती भी है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कम निकलती है तो कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। तो अगर अप्लाई करते हो आप, थोड़ी सी भी अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक इनमें बन जाता है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अपन IFS की बात कर सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात कर सकते हैं, BSc और MSc दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 55,000 प्लस सैलरी रहती है फॉरेस्ट ऑफिसर
कि यहाँ पर आपको जॉब मिलती है, ये पोस्ट होती है, और इसी तरह आरपीएससी ऐसे पेपर हो कि पोस्ट की बात कर सकते हैं जो स्पेशली राजस्थान के लिए है, अदर स्टेट में भी इससे रिलेटेड पोस्ट निकलते होंगे। आप जिस भी स्टेट के हो अपने स्टेट में सर्च करने की कोशिश करना, कई सारी पोस्ट निकलती है जिनका स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। एमएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, 45,000 प्लस इसकी सैलरी रहती है, और वही फॉरेस्ट ऑफिसर की ही ये जॉब होती है, रेंजर की पोस्ट इसमें आपको मिलती है। बात करें यहाँ पर जैसे जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखो जीएसआई की बात करें एमएससी वाले कर सकते हैं। यहाँ पर जियो साइंटिस्ट के, जियो केमिस्ट के आपको पोस्ट मिलती है, काफी अच्छी सैलरी इसकी होती है, लगभग 65,000 प्लस इसकी सैलरी होती है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अपन बात कर सकते हैं जैसे नेक्स्ट डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात कर सकते हैं। इसमें बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी और एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर केमिस्ट या साइंटिस्ट के पोस्ट निकलती है, इसकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है, 50,000 प्लस ही सैलरी होती है। ऊपर तो पहले ये एक्चुअली स्टार्टिंग में सैलरी कम रहती है, लेकिन बाद में तेजी से इंक्रीमेंट लगता है, तो बहुत तेजी से आपकी सैलरी काफी अच्छी खासी यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर बात करें अपन नेक्स्ट आईसीएफआरई, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके बारे में बात कर सके। एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 70,000 प्लस इसकी सैलरी होती है, लगभग साइंटिस्ट बी की यहाँ पर आपको पोस्ट मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अपन जैसे एचपीसीएल की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर भी अपन को गेट चाहिए होते हैं, एमएससी में 60% मार्क्स साथ में गेट यहाँ पर चाहिए होते हैं, गेट के बेसिस पर स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड ये करते हैं, 60,000 प्लस सैलरी होती है। और पोस्ट की बात करें तो केमिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट यहाँ पर निकलती है। तो और भी कई तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको समय समय पर गाइडेंस मिलता रहे। और जैसे इनका वैकेंसी वगैरह आती है किसी भी पोस्ट के, इनके अलावा भी और भी जो भी पोस्ट है, तो हम जरूर हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पर शेयर करेंगे, फेसबुक पर जैसे यूट्यूब पर इन पर। तो आप हमारे जो सोशल मीडिया है फेसबुक यूट्यूब वगैरह, इनको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह को, ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रही और कोई भी किसी भी तरह की वैकेंसी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।